वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि अभी तक एक भी बार बोर्ड में आया नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस में था। ठीक, तो महाराष्ट्र बोर्ड में रिड्यूस सिलेबस में था, तो अब ये टॉपिक आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, ये सर तो ये आ भी सकता है। और ये कहाँ आएगा? ये सेक्शन डी में आएगा, क्योंकि सेक्शन डी में जो क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क के लिए होता है। टॉपिक का हमारा नाम है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल और उसका इक्वेशन। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा आएगा बोर्ड एग्जाम में कि स्टेट बर्नौलीज़ प्रिंसिपल एंड डेराइव इट्स इक्वेशन फॉर 4 मार्क। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है? जो इसका स्टेटमेंट हो गया उसके लिए 1 मार्क है, और जो ये डायग्राम बनाओगे उस डायग्राम के लिए आपको 0.5 मार्क है, और जो एक्सप्रेशन आप डेराइव करोगे इस एक्सप्रेशन के लिए आपको 2.5 मार्क्स है। ठीक, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम है एक फ्लूइड के लिए उसके सराउंडिंग फ्लूइड पे होगा, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर सराउंडिंग फ्लूइड से किसी फ्लूइड पे वर्क हो रहा है तो वो वर्क डन पर यूनिट जो वॉल्यूम है वो सम ऑफ क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के होगा, एंड दैट विल बी अकरिंग ड्यूरिंग द फ्लो। फ्लो के दौरान होने वाला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगा? एक फ्लूइड के सराउंडिंग फ्लूइड से पुश करने के लिए। तो वो फ्लूइड, ये जो आपको एक ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब में दो तरह के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। आप देख सकते हो दोनों का एरिया अलग अलग है, और ये जो फ्लूइड एलिमेंट है, एक कंसिडर करो ये आइडियल एक ट्यूब है जिसमें एक आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और फ्लो का डायरेक्शन आप देख ही सकते हो ऐसे जा रहा है। तो ये जो फ्लूइड है इसके फ्लूइड पे जो सराउंडिंग फ्लूइड जो कि यहाँ पी और आर एलिमेंट पे रहेंगे उसके द्वारा जो वर्क हो रहा है वो वर्क किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के एडिशन के। तो अभी जैसे आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये जो फ्लूइड फ्लो होगा इसका जो वॉल्यूम रहेगा चाहे यहां पे आए और चाहे यहां पे आए दोनों वॉल्यूम क्या रहेगा इसका सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? दैट वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो लेट A1 एंड A2 बी द एरिया एंड D1 एंड D2 बी द डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं ना। तो एरिया A1 D1 इक्वल्स टू A2 D2। आई होप आपको ये क्लियर है। वॉल्यूम क्या है? A1 D1 इक्वल्स टू A2 D2। वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम ही रहेगा फ्लूइड का, चाहे ये यहां पे हो और चाहे यहां पे फ्लो हो रहा है। अब तो सिंस ये क्या है? एक आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड में कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता, कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसका वर्क डन क्या होगा? स्मूथली। दैट वर्क डन विल बी नथिंग बट क्या होगा? प्रेशर इनटू वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? ये फोर्स ही है ना, क्योंकि फोर्स को हम क्या लिखते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स को क्या लिखते हैं? प्रेशर इनटू एरिया। तो मैं यहां पे फोर्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर इनटू एरिया। किसके लिए? P1 A1 के लिए। वैसे ही F2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? P2 इनटू A2। तो हमारा जो ये इक्वेशन है वर्क डन जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसमें चेंज हो गया? फोर्स की क्या लिखा हमने? P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा? D1। तो P1 A1 D1 माइनस P2 A2 D2 ये हमारा क्या होगा? टोटल वर्क डन हो गया। याद रखो ये माइनस साइन इसीलिए आया है क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट है, इसीलिए क्या हो गया? माइनस हो गया, नहीं तो ये सम ऑफ था। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो जो A1 D1 है और A2 D2 है ये इक्वेशन 1 से क्या है? A1 D1 और A2 D2 दोनों नथिंग बट क्या है? वॉल्यूम है ना। तो हम A1 D1 की जगह क्या लिखेंगे? DV लिखेंगे, और A2 D2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं? DV लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। अब क्योंकि DV और DV क्या हो गया? कॉमन हो गया, तो हमने DV कॉमन ले लिया। तो बचा क्या? P1 माइनस P2 वी विल गिव इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब क्योंकि जो वर्क है फोर्सेस के ऊपर जो हो रहा है वो अदर देन क्या है? फोर्सेस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, दैट इज फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, एंड इज इक्वल टू क्या रहेगा? सम ऑफ चेंज किसके? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड है, याद रखो वहां पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो जो वर्क डन होगा दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमें अब काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे पहले। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स? दैट इज ½mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½mv². तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी यहां पे लिख रहा हूं ½mv², ठीक है, और हमें पता है डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम इनटू
डेंसिटी, मतलब मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ध्यान देना यहाँ पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो इसीलिए, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को हम से लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि मास मेरा क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख रहा हूं मैं, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए टोटल मास क्या हो गया, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ एम वी था, उस एम की जगह हमने क्या लिखा यहां पे, एरिया डेंसिटी, एरिया डेंसिटी हाफ एम, एम की क्या लिखा हमने, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट किसकी जगह पे, एम की जगह पे, और वी स्क्वायर एज इट इज वैसे ही चेंज हो रहा है ना, तो इसीलिए हाफ अगेन डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो गया हाफ एम टू वी टू स्क्वायर माइनस एम वन वी वन स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो इसलिए ये यहां पे लिखा, फिर से रिपीट करता हूं, मास किया क्या लिखा हमने, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, यहां पर भी डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, और वी स्क्वायर दोनों में लगा। तो आपको अब पता है, क्या पता है आपको, कि एरिया और ये क्या होता है, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस टू विल बी नथिंग बट वॉट, वॉल्यूम ना, तो यहां पर भी वॉल्यूम है, यहां पर भी वॉल्यूम लिखा हमने, और दोनों में डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम क्या है, कॉमन है ना, डेंसिटी वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम और हाफ कॉमन हो गया, तो हमने हाफ डेंसिटी वॉल्यूम तीनों क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, क्या बचा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, अंडरस्टूड। यहां तक आए हो, आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल के छोड़ दो। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों एनर्जी चाहिए ना, वर्क डन क्या होगा, नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एमजीएच होता है, ये हाइट देख रहे हो आप, फ्लूइड वन के एरिया वन के लिए एच वन था, और यहाँ पे जो एरिया टू है इसकी हाइट कितना है, एच टू है, हाइट क्या है, एच टू। तो एमजीएच टू माइनस एमजीएच वन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि हमें एम पता है, अभी मैंने आपको बताया एम वापस क्या है, एम नथिंग बट डेंसिटी एरिया और डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे डेंसिटी एरिया डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम, एरिया डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखा, वॉल्यूम, दिख रहा है ना वॉल्यूम, तो डेंसिटी वॉल्यूम जी एच टू, डेंसिटी वॉल्यूम जी एच वन, डेंसिटी वॉल्यूम और जी तीनों कॉमन है, देखो डेंसिटी वॉल्यूम और जी तीनों कॉमन ले लिया, बचा क्या एच टू माइनस एच वन, ये आपका क्या हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने इक्वेशन क्या दे दिया, 6 दे दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि इक्वेशन नंबर 4 क्या था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन नंबर 5 से लिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन नंबर 6 से लिया, ये दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने वर्क डन लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई रिपीट, इक्वेशन नंबर 5 में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन नंबर 6 में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वर्क डन किसके इक्वल है, ये वर्क डन हमारा इक्वेशन नंबर 3 के इक्वल है, देखो यहाँ पे वर्क डन है ना इक्वेशन नंबर 3 में, क्या है, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इनटू डीवी, तो मैंने यहाँ पे इस वर्क डन की जगह चेंज इन प्रेशर इनटू डीवी लिखा, चेंज इन प्रेशर इनटू डीवी, और ये पूरा इक्वेशन नंबर 7 एज इट इज उतार दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डीवी और ये डीवी, ठीक है, ये तीनों डीवी क्या है, इक्वल है, तो तीनों डीवी को हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना, तीनों तीनों डीवी क्या होगा, कट, तो यहाँ पे क्या बचा, चेंज इन प्रेशर इक्वल टू किसके, हाफ डेंसिटी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, वैसे ही जी एच एच टू माइनस एच वन, जी एच रो जी एच टू माइनस एच वन, यही आपका क्या हो गया, बर्नौलिस प्रिंसिपल, क्या कहता है कि इफ अ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंटेनर, ठीक है, तो वहां पे उस फ्लूइड पे होने वाला जो वर्क डन है सराउंडिंग फ्लूइड्स के द्वारा, वो किसके इक्वल होगा, उसके सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है, तो डीवी को क्या लेंगे, A1 D1 इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि फ्लूइड आइडियल है तो वहां पे कोई इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होगा, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, P1 A1 D1 माइनस P2 A2 D2, A1 D1 क्या है आपका चेंज इन वॉल्यूम, तो डीवी लिख दिया। अब क्योंकि वर्क डन किससे हो रहा है, फोर्सेस अदर देन ग्रेविटेशन फोर्स, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप पहले काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, एक ही चीज आपको याद रखना है बस, क्या कि मास को हम कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको ऐसी काइनेटिक आ जाएगा। फिर एमजीएच वाले में भी आप मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको पोटेंशियल आ जाएगा, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर देना,
और जो इक्वेशन नंबर फोर में, इक्वेशन नंबर फोर में सॉरी थ्री में जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप लिखोगे और उस वैल्यू में वर्क डन की जगह ये डालोगे चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम डीवी 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 कट, तो बच्चा चेंज इन प्रेशर इज नथिंग बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे दूसरा वीडियो इस पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल्सो यूटी आ रही है आपकी।